हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स सपोर्ट। आज मैं आपको जो है बताने वाला हूँ, अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी लिंक है और आपकी जो है पावती, जो आवेदन पर्ची है, जो रसीद है, उसमें आपको बताया जा रहा है, दिखाई दे रहा है कि आपका जो है आपके जो है बैंक खाते से डीबीटी लिंक नहीं और आधार की स्थिति भी नहीं बता रही है। चलिए आपको पावती दिखा देते हैं, आपको किस प्रकार दिखाई दे रही है। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, चलिए वो आपको पावती दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको पावती देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बैंक में आधार लिंक की स्थिति नहीं है और डीबीटी की सक्रिय होने की स्थिति नहीं है। अगर आपके पास इस प्रकार का कुछ है यहाँ पर है तो आपका जो है, और बैंक से आप पता करते हैं तो आप, चलिए मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि आप जो है किस प्रकार चेक करते हैं तो आपको बताता है। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपका डीबीटी के सक्रिय होने की स्थिति नहीं है और आधार की लिंक की स्थिति नहीं है तो आपको पैसा आएगा या नहीं, इसके बारे में इस डिटेल वीडियो बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में आने वाले बेल आइकन को मैंने मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, आपकी रसीद में अगर आपकी आवेदन पावती में अगर कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है कि बैंक में आधार लिंक की स्थिति नहीं है और डीबी की सक्रिय स्थिति होने की स्थिति भी नहीं है। और आपको बता देता हूँ आपके बैंक में जो आधार की साइड है उसमें आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपके बैंक खाते में अगर इस प्रकार का इंटरफेस है तो आपका पैसा आएगा या नहीं। चलिए आपको सिंपली अपने ब्राउज़र पर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ आगे की प्रोसेस। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से मैं ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है डीबीटी करके, यहाँ पे आपको सर्च करना है तो आपको कुछ इस प्रकार की साइट पे पहुँचा दिया जाएगा। इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसी वीडियो में आपको थोड़ी सी डिटेल बता भी देता हूँ। तो सिटीजन बैंक अकाउंट कॉर्नर पर जाके इस पर आपको ओके कर देना और कंटिन्यू पर पहुँच जाना है। आपको डिटेल में इसके बारे में समझना है कि आप किस प्रकार चेक कर सकते हैं, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है तो वो आप जाके मेरे चैनल पेज पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको आधार कार्ड की साइट पर पहुँचा दिया जाएगा जो कि आधार बैंक लिंक के स्टेटस की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार नंबर, यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा तो वो वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है तो आपके सामने आपकी आधार बैंक डीबीटी स्थिति दिखाई देने लगेगी। तो उसके बाद आपको क्या प्रोसेस है चलिए आपको बताते हैं। उसके बाद आपका पैसा आएगा नहीं, क्या स्थिति दिखाई दे रही है चलिए आपको बताते हैं आएगी प्रोसेस। चलिए दोस्तों, तो मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुँच चुकी है। चलिए दोस्तों सिंपली यहाँ से अपनी ओटीपी आ चुकी है, चलिए सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सिंपली सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर, बैंक सीडिंग स्टेटस और बैंक सीडिंग डेट और बैंक भी यहाँ पर दी हुई है जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक मेरी यहाँ पर दी हुई है। तो आपकी जो भी बैंक दी रहेगी तो यहाँ पर दी रहेगी। तो आपको आगे इसमें क्या करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका यहाँ पे जो है डीबीटी सक्रिय है, यही आपका बैंक से डीबीटी सक्रिय माना जाएगा। तो अगर आपका इस प्रकार का बैंक से डीबीटी सक्रिय है तो आपको अगर आपके आवेदन रसीद में जो है वो आवेदन रसीद में कि आपका जो है डीबीटी सक्रिय नहीं बता रहा, आधार लिंक नहीं बता रहा है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर यहाँ पर डीबीटी सक्रिय है, आपका कोई भी बैंक खाते से आपका डीबीटी लिंक है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस उस खाते को आपको देख लेना है कि आपका वो होल्ड वगैरह तो नहीं है या कुछ की KYC पेंडिंग तो नहीं है। तो इस प्रकार का आपको देख लेना है और आपका उसके साथ आधार कार्ड लिंक होगा जब डीबीटी सक्रिय है तो बस आपको देख लेना है कि उसमें ट्रांजेक्शन करते रहना है जिससे होल्ड ना हो पाए, वो खाता इनएक्टिव ना हो पाए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेंड कमेंट करना ना भूलें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।